हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। यह प्रश्न एक नंबर का है। दूसरा प्रश्न है आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या करो। ये दूसरा प्रश्न है, आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या करो। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करो। यहाँ पर निरक्ष पर स्थित, ये देखो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, निरक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करो। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा आप सभी के सामने है कि गाउस नियम क्या है, गाउस का नियम क्या है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कूलाम की सहायता से ज्ञात कीजिए। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर छठा, देखते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न आप सभी के सामने कि अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन ज्ञात कीजिए। दो नंबर का इम्पोर्टेंट है ये। और बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर सेवन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर सेवन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कुचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करो। यह भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आप सभी को हल करके जो है ग्रुप पे भेजना है। देखिए प्रश्न नंबर आठ दिया हुआ है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। तो यह भी जो है तीन नंबर का प्रश्न है, इसको करिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नाइन की तरफ। नाइन नंबर प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है कि 2 न्यूटन/कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30° के कोण पर 1 कूलाम/मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर तीन आप सभी के सामने है। यह सब प्रश्न हल करना, यदि नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन भी दिखाया जाएगा। प्रश्न नंबर दस आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा कि ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, 2i+3j-4k V/m और क्षेत्रफल सदिश दिया है 8j, तो फाई कितना होगा। तो ये दूसरे चैप्टर से लिया गया हुआ है। फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स, दूसरे चैप्टर से नहीं, मतलब पहले चैप्टर से ही है, आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।